नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अच्युत स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 30 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय सेना ने 15 जनवरी को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 1949 में इसी दिन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने सर फ्रांसिस बुशर से भारतीय सेना प्रमुख की कमान ग्रहण की थी। तब से भारतीय सेना और सैनिकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब भी मौका आया, सामने चाहे चीन हो या पाकिस्तान, हमारे संसाधनों से सेना ने अपना सर्वोत्तम देश को दिया। वर्ष 1947-48 का जम्मू कश्मीर का कबायली संघर्ष 1962 में चीन से और 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान से हुए युद्ध सब गवाह हैं। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में भारतीय सेना ने जो चमत्कार दिखाया, वह तो हजारों सालों तक विश्व के सैन्य इतिहास में पढ़ा पढ़ाया जाता रहेगा। बांग्लादेश के रूप में अलग राष्ट्र का निर्माण और 95,000 पाक फौजियों को आत्मसमर्पण, यह सब हमारी सेना ने तब किया जब अत्याधुनिक हथियारों के पैमाने पर पाक
फौजें हमसे बहुत आगे थीं। पाकिस्तान को अमेरिका का अंध समर्थन था। उसकी नौसेना का सातवां बेड़ा तो हमारे सामने आ ही पहुंचा था। फ्रांस सहित कई विकसित देशों के विमान उसके पास थे। यही हाल सैनिकों के पास हथियारों का था। हमारी वायु सेना के पास छोटे से नेट विमान थे और नौसेना जंगी जहाज विक्रांत के भरोसे थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमारे पास थी वह देश के लिए मर मिटने का हमारे सैनिकों का जज्बा। इस जज्बे और तत्कालीन सोवियत संघ के मजबूत समर्थन से हमने यह करिश्मा कर दिखाया। शुक्रवार को भी दिल्ली छावनी में परेड को संबोधित करने के दौरान भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद के पास यही हौसला था। उन्होंने सही कहा कि आज चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। पहले चीन पाकिस्तान के पीछे था, आज साथ है। अमेरिका ने पहले हमारे साथ था, ने आज है। उसके चक्कर में हमने टूट कर भी ताकतवर हुए
रूस को अपने से दूर कर दिया, फिर भी नरवणे का यह विश्वास कि चुनौतियां भले ही उन चोटियों से बड़ी हों जिनकी हमारे सैनिक रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों का मनोबल उनसे भी ऊंचा है। भारतीय सेना के साहस को दिखाता है। सेना और सैन्य अफसर तो अपना काम करेंगे, लेकिन यह जिम्मा भारत की सरकार और उसके एक एक नागरिक का है कि वह सेना के तीनों अंगों की हर जरूरत को प्राथमिकता से पूरा करें। हमें अपने खाने खर्च ऐसो आराम में भी कटौती करनी पड़े तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी जरूरतें हर हाल में पूरी करनी चाहिए। याद रहे कि इस बार लड़ाई सीधे चीन पाक दोनों से होगी, लिहाजा हमारी सेना को भी दोनों के बराबर मजबूत करना होगा, संख्या में भी और संसाधनों में भी। समाप्त।